क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो चाहिए, पोर्टफोलियो के लिए क्लाइंट चाहिए, और सारे मेजॉरिटी ऑफ द कॉपी राइटर्स हैं ना वो इसी सर्कल में घूम रहे हैं, चक्की पिसिंग पिसिंग कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई करें तो क्या करें। इस वीडियो में आपको इसका सलूशन मिलेगा इंशाल्लाह, तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। जी हाँ, दिस इज शहजाद खान, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लर्निंग चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं पाकिस्तान का ओनली अवार्ड विनिंग कॉपीराइटर हूँ। 12 मिलियन डॉलर्स की सेल्स जनरेट की है मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए और बहुत सारे कॉपीराइटिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बस अब तो काउंट ही भूल गया मुझे अल्लाह के करम से। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि आपका अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, कि क्लाइंट अगर हो या ना भी हो आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाए, और उसके लिए मेरे पास तीन डिफरेंट तरीके हैं आपके लिए। और पहले तरीके पर चलते हैं कि गेट अ जॉब एट एन एजेंसी इवन इफ दे डोंट पे यू $10,000 अमाउंट। बहुत सारे नए कॉपी राइटर्स जाते हैं मार्केट में, कहते हैं जी वो शाहरुख खान जैसे यूं करके इंतजार नहीं कर रहा था हीरोइन का, तो वो क्लाइंट भी ऐसे खड़े होंगे और मैं भाग के जाऊंगा और क्लाइंट कहेगा ये लो $10,000 का रिटेनर। ऐसा नहीं होगा। शुरू में मार्केट में बैरियर टू एंट्री ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपको कम्पीट करना पड़ता है। यू प्रॉब्ली हैव टू वर्क फॉर यू नो लेस देन व्हाट यू आर वर्थ, लिहाजा इट इज ओके। शुरू में किसी एजेंसी के साथ ज्वाइन हो जाएं, उनके साथ काम करें 6 महीने साल, उससे क्या होगा कि एजेंसी के पास होता है बल्क वर्क, वो आपको जब काम आप फेंकेंगे आप काम करोगे आपकी स्पीड भी बनेगी, आपकी क्वालिटी भी बनेगी, और जब आप एजेंसियों को काम देते हो जमा कराते हो और वो फिर आगे क्लाइंट को देता है, क्लाइंट टेस्ट करता है, तो अक्सर जो अच्छी एजेंसीज हैं वो आपके साथ फीडबैक भी शेयर करती हैं, तो आपको पता लग जाता है आप कितने पानी में हो, किस स्किल में अच्छे हो, किस में इंप्रूवमेंट चाहिए, और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होता है और बनने लग जाता है। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका है कि अपने करीब सर्कल में देखें, आपके पीयर्स में आपके एग्जिस्टिंग कोई लोग हैं अगर कनेक्शन में, कोई बिजनेस रन कर रहा है, कोई छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, उनको अपनी सर्विसेज ऑफर, और जरूरी नहीं है कि आप उनसे लाख रुपए मांग लें, उनकी किडनी भी मांग लें, उनसे कह दें कि यार आप एड वैड लिख देता हूं मैं आपको, या मैं आपको ईमेल लिख देती हूं, या मैं आपको वेबसाइट का कॉपी लिख देती हूं, कोई बात नहीं, जब इंशाल्लाह बड़े बिजनेस बनेंगे तब मुझे बिजनेस पैसे दे देना, कोई मसला नहीं। इस तरह से यू गेट टू वर्क ऑन एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट, आपके वो क्लाइंट्स के साथ आगे कल को शेयर भी कर सकते हो। यानी अगर आपने किसी की वेबसाइट कॉपी लिखी है फॉर फ्री लिखी है, तो कल को कोई कहता है कि यार वेबसाइट कॉपी के सैंपल दो, आप वो लाइव लिंक दोगे उनको, ये देखो इस वेबसाइट की मैंने लिखी है, प्राउड मोमेंट फॉर मी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनती है, आपका पोर्टफोलियो भी बनता है, और आपके साथ वाले आपसे खुश भी होते हैं कि वाह नया आया है मैदान में लेकिन दिल का अच्छा है, काम अच्छा करता है। तीसरा जो तरीका है जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी तरफ से हाई क्वालिटी सैंपल्स खुद बनाएं ऑफ वट एवर कॉपी टाइप यू वॉन्ट। इसका ये किया जा सकता है कि आप कोई भी अगर एड देखते हो या कोई ऑफर देखते हो या कोई आपको कोच पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको जी आपको ग्रांट कार्डोन पसंद है, तो चुप करके एड लाइब्रेरी पे जाओ, ग्रांट कार्डोन की एड्स जो है आपके सामने आ जाएंगे। अब उस एड उसपे जो लिंक मौजूद है उसपे ऊपर क्लिक करो, आपके पास लैंडिंग पेज आ जाएगा। अब एड को भूल जाओ जो आपने क्लिक की, लैंडिंग पेज देखो और आप उसको अपने सामने रखो और आप सोचो कि इसका एड अब आप लिखो, उसके लिए एड लिखो, एक नहीं दो नहीं तीन वर्जन लिखो डिफरेंट, कोई और ऑफर चल रही है उनके भी एड अपनी तरफ से लिखो। ये अब ग्रांट कार्डोन को भेजने हो तो भेज भी दो, बेशक हो सकता है हायर कर ले, नहीं भी करता तो खैर आपने मकसद पोर्टफोलियो बनाना है, तो साथ साथ आप उनके अपनी तरफ से एड्स लिखें और उससे क्या होगा कि आपका एड्स वाला पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ईमेल्स आती हैं किसी की ज्यादा, आपको मरी फोरलियो की ईमेल्स आती हैं, आप कहोगे यार मरी फोरलियो ईमेल्स तो अच्छी भेजती हो, तो आप उसी की जो ऑफर जो प्रमोट कर रही है अपनी ईमेल्स में उसी के लिए आप भी ईमेल्स लिखने लग जाओ, 3-4-5 ईमेल्स लिखो, हो सके तो ही मरी फोरलियो को शेयर कर देना कि ये मैंने लिखा है, अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ना भी है तो आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए। अच्छा, जब आप इस तरह से 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपी के बना लेना सैंपल, फिर आपने करना एडिट। ये नहीं कि बस एक दफा कर लिया आपने पर एहसान किया, ऐसा नहीं होगा, या किसी के ऊपर और एहसान किया, आपने जब वो बना लिया तो उसको फिर एडिटिंग प्रोसेस से गुजारें, उसको एडिट करो, उसमें फ्लफ हटाओ, मिस्टेक्स हटाओ, ग्रामर ठीक करो, फ्लो ठीक करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करो, सेल्स आर्गुमेंट इंप्रूव करो, उसमें मेहनत करो एडिटिंग में। जब ये मेहनत कर लोगे तो फिर जाओगे तीसरे स्टेप पे इनको ऑर्गेनाइज करने में। अब आइडियली आपके पास 3-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेस कॉपी के होने चाहिए, लैंडिंग पेज का हो, एड का हो, एक अदर सेल्स पेज का हो, एक वेबसाइट कॉपी का हो, ये हर टाइप ऑफ कॉपी का एक सैंपल कम से कम होना चाहिए। ज्यादा लिख लो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। जब ये सब बना लो फिर इनको प्यारी तरह से गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाओ, उसमें इनको ऐड करो, और जब भी कोई क्लाइंट आपसे मांगे ना सैंपल या पोर्टफोलियो उसके मुंह पे सारा उठा के नहीं मार देना।
ठीक है, अगर वो कहना मुझे एड्स चाहिए तो उसको एड वाला लिंक शेयर कर देना। अगर वो कहे मुझे सेल्स पेज की एग्जांपल दिखाओ, मैं तो सेल्स पेज दिखाऊंगा, उसको सेल्स पेज ही भेजना। ठीक है, ये ना हो कि आप उसको पूरा पूरा पोर्टफोलियो दे रहे हो, कोई भी ना दे। और यहाँ पे एक और क्रूशियल चीज, अब बहुत सारे क्लाइंट्स, अब आपने सपोज करो बिज ऑफ नीश में एड लिख दिया, लेकिन आपका क्लाइंट आता है हेल्थ नीश में, अब वो नीश का फर्क है, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जल्दी जल्दी कुछ हेल्थ नीश में कुछ एड उसी की बेस पे, उसी के फ्रेमवर्क पे जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक जल्दी से एड लिख के उसको भेज दो कि ये लो हेल्थ नीश का एड होगा। दूसरा ऑप्शन है आप अपने आप को एज ए नीश एक्सपर्ट बता दो कि मैं जो है मेरी बिज ऑफ नीश है, मैं इसमें स्पेशलाइज करता हूँ, और आपको अगर हेल्थ नीश में चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे 15 मिनट दें, 15 मिनट में जाके उसको कोई ना कोई चीज आप लिख के भी दे सकते। ये आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों का जो आउटकम है वो एक सेम ही है कि आप फिर भी पोर्टफोलियो पीस ही बना रहे हो, क्योंकि अभी आप नए हो। जब आप नए होते हो तो आपके नखरे नहीं होने चाहिए। मैं नखरे करूँ ना, मैं कर सकता हूँ। मुझे उस दिन एक साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा जी मेरी ईमेल लिस्ट जो है वो मैनेज करो और मुझे वेबसाइट कॉपी लिख के दे। तो मैंने उनसे इतने सारे पैसे मांगे, उन्होंने कहा यार काम कर दो, मैंने कहा मैं नहीं करता। अब मैं नखरे कर सकता हूँ ना, अब वो हो सकता है मुझे $1500 दे देता, मैं उसे काम करके आता $1500 दे देता, थोड़े तो नहीं होते, लेकिन मैंने एक लाइन सेट कर लिया, मैंने $1500 इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनते तो मैं नहीं लूंगा, इतने बनते हैं तो मैं इतने लूंगा, बस बात खत्म। तो यू टेक दीज काइंड ऑफ स्टैंड्स व्हेन यू आर एट अ लेटर स्टेज इन योर करियर। अभी नखरे नहीं करने, सर नीचे रखिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, अप्लाई कीजिए और इंशाल्लाह गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। उम्मीद करता हूँ आपको इससे वैल्यू मिली होगी इंशाल्लाह। कमेंट्स में अपने इजहार राय कीजिए, आजादी है हमें, जो भी हमने शेयर करनी है, जो आपके जहन में सवाल है, कोई आइडिया है, कोई स्ट्रेटजी और शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, पेज को लाइक करना हो कर लें, सब्सक्राइब करना हो कर लें अगर वैल्यू मिल रही है। लेकिन एक मजे की चीज आपको बताऊं, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपने मेरी 2 से ज्यादा वीडियोस देख ली है ना, तो मेरा आप पे हक बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।